आज उनको फील्डिंग के लिए न्योता दिया है डायमंड वॉरियर ने। डायमंड से गुजारिश है मेरी, जल्द से जल्द इमरान सर अपने ओपनिंग पेयर भेजे। पानी की एक कैन अगर ला सकते होंगे तो एक पिंडौल की तरफ। सलीम भाई है क्या? जल्दी से ओपनिंग पेयर इमरान सर। और ये मैच स्टार्ट होता हुआ, जल्दी से ओपनिंग पेयर को भेजें वहाँ से डायमंड वॉरियर्स। और सात वॉरियर्स की ओर से अपने स्ट्राइक बॉलर वसीम सर, वसीम सर बीआर सर जी बॉलिंग मार्क पर। और डायमंड वॉरियर्स की ओर से देखना लायक होगा ओपनिंग बल्लेबाज कौन आते हैं। वसीम सर और ओपनिंग बल्लेबाज शहजाद अनवर और इमरान मुनव्वर सर आते हुए। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी कल सौराष्ट्र के खिलाफ ये दोनों ही धाकड़ बल्लेबाजों ने। अच्छी ओपनिंग स्टार्ट अच्छा देते हैं और फिर टीम अच्छा स्कोर यहां सेट कर पाती है। वसीम सर बीआर और स्ट्राइक पर है इमरान मुनव्वर सर और नॉन स्ट्राइक पे है शहजाद अनवर सर फ्रॉम चांदूर बाजार। और नेमत सर, शुक्रिया नेमत सर, जेब में भी रख सकते हैं नेमत सर आप। इमरान मुनव्वर सर और शहजाद अनवर सर खचाखच ये टूर्नामेंट ये स्टेडियम भरा हुआ आज के इस तीसरे दिन। और मैंने बताया हूँ कि बड़ा ही क्रूशियल मैच, इसलिए क्रूशियल मैच है कि डायमंड वॉरियर्स अपने दो मैच अपने ग्रुप के जीत चुकी है और ये तीसरा मैच जीतना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी। क्या ये जीत की रथ को सात वॉरियर यहाँ रोकने में कामयाब होंगी ये देखने लायक होगा। और स्ट्राइक पर है खूबसूरत बल्लेबाज इमरान मुनव्वर सर और वहीं उतने ही ज़बरदस्त गेंदबाज सर जी वसीम सर। लेट्स प्ले।
और हल्के हाथों से खेल दिया, बहुत ही तेज आउट फील्ड, कवर की दिशा में वसी सर वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। और थोड़ा ध्यान से सर, थोड़ा ध्यान से आपको फील्डिंग करनी होगी, चोट लगने से अपने आप को बचाना होगा। और पहली ही गेंद में एक बाउंड्री आती हुई, सिर्फ दिशा दिखा दी थी गेंद को। अच्छी स्टार्ट डायमंड वॉरियर की ओर से। अगली गेंद का सामना करेंगे इमरान मुनव्वर सर। और ये अपील और खामियाजा विकेट के रूप में, बड़ा विकेट, यही इस बॉलर की खासियत, वापसी करना जानते हैं। देखा है कि बल्लेबाज तेज घुमाना चाह रहे थे और बाहर की तरफ फेंक दिए बॉल। और आसान सा कैच है यहाँ गुफरान सर के दस्तानों में, गुफरान सर ZP, ज़बरदस्त कैच। 4-1 loss। अब देखने लायक होगा कि वन डाउन की पोजीशन पे कौन आते हैं, इरफान सर, विद्या भारती। इरफान सर वन डाउन पोजीशन पे आते हुए। अब अनवर, शहजाद अनवर सर का साथ देंगे इरफान सर। और वापसी करते हुए यहाँ वसीम सर, खूबसूरत गेंदबाजी और बड़ा विकेट को पवेलियन की राह दिखाई। इमरान सर काफ़ी अच्छी स्टार्ट दी थी अपने टीम के लिए कल, उसी तरह का परफॉर्मेंस की ज़रूरत थी आज टीम को, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी कर बैठे। अब सामना करेंगे इरफान सर। और ये LPW अगर होता तो ज़रूर पवेलियन की राह जाते इरफान सर। और नेमत सर से रिव्यू मांगा है नेमत सर ने, लेकिन टाइम ख़त्म हो गया है सर। और एम्पायर का इशारा, 4 run, ज़बरदस्त ब्लॉक हॉल गेंद थी ये, लेकिन बाल बाल बचे और एक 4 run ज़रूर मिले हैं अपनी टीम के लिए डायमंड वॉरियर्स को इरफान सर के बल्ले से। लेकिन ज़बरदस्त गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी ये, ब्लॉक हॉल गेंदबाजी वसीम सर की। बढ़ता हुआ रन संख्या 8। और ये ज़बरदस्त लाइन लाइन कर की बॉलिंग, कसी भी बॉलिंग कर रहे हैं वहाँ पे वसीम सर, संभल कर खेल रहे हैं। मैं जानते हैं कि एक बड़ा विकेट जा चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त ये मैच डायमंड वॉरियर्स के ओर से अगर सोचे तो बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट मैच। अगली गेंद वसीम सर, सामना करेंगे इरफान सर। और लेग साइड की दिशा में खूबसूरत शॉट, 4 run ज़रूर मिलेंगे यहाँ। और बढ़ती हुई रन संख्या 12, लॉस ऑफ 1 wicket और आफ्टर 1 over। नेक्स्ट गेंद बाद कौन होंगे अब देखने लायक होगा। और परवेज सर की तरफ रुख किया है टीम के कैप्टन ने। और शहजाद अनवर सर ने खूबसूरत बल्लेबाजी की थी कल, उसी तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद यहाँ डायमंड वॉरियर्स को। और उतने ही खूबसूरत बॉलर जो लाइन लाइन अपनी सतीत रखते हैं ऐसे परवेज सर मनपा। सेकंड ओवर प्रगति पर और सामना करेंगे शहजाद अनवर सर। थोड़ी फील्ड में तब्दीली, और अब दूसरे ओवर की पहली गेंद, सामना करेंगे शहजाद अनवर सर।
और फुल टॉस गेन, एक मौका और एक मौका, लेकिन छूटा यहां पे कैच। डॉट गेन, और हल्के हाथों से खेल दिया, सिर्फ उसकी दिशा दिखाई है गुफरान सर उतनी ही तेज बॉल के पीछे, और अच्छी फील्डिंग वहां पे गुफरान सर की, जब तक बॉल कलेक्ट करते दो रन मुकम्मल कर लिए। फिर से सामने की तरफ खेल दिया, वहां पे शहजाद सर मौजूद, इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। ओह खूबसूरत गेंद, ललचाई हुई गेंद, सटीक लाइन लाइन घुमाना चाहते थे वहां पे इरफान सर, लेकिन सामना करेंगे इरफान सर। और स्लो फुल टॉस, फायदा नहीं उठा पाए यहां पे इरफान सर, एक बड़ा हिट जरूर होना चाहिए था इस बॉल पे, लेकिन अच्छी किस्मत वहां पे परवेज सर की, खूबसूरत गेंदबाजी। फिर से घुमाना चाहते थे, और बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ पे परवेज सर की, दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर थमा हुआ 15 रन। बहुत अच्छा वर परवेज सर का, और तीसरा ओवर लेकर आए अपने कोटे का दूसरा ओवर वसीम सर, खूबसूरत गेंदबाजी की थी और एक बड़ा विकेट लिया था डायमंड वॉरियर का। अब सामना करेंगे शहजाद अनवर सर इस तीसरे ओवर की पहली गेंद का, और लंबा हिट, करारा हिट, सीमा रेखा पार, 6 रन। डायमंड वॉरियर का खेमा काफी खुश, तालियों से हौसला बढ़ाते हुए अपने बल्लेबाजों का। और सामने की तरफ फिर से खेल दिया वहाँ पे शहजाद अनवर सर ने, फील्डर शहजाद सर मौजूद, एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। और अब सामना करेंगे इरफान सर, बॉलर है वसीम सर बियार, हाइटेड, फिर से ब्लॉक हॉल गेंदबाजी, फील्डर वहां तौसिफ सर मौजूद, और बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन। हाइटेड खूबसूरत गेंदबाज वसीम सर, और एक लेग साइड की तरफ जाता हुआ आउटफील्ड काफी तेज निदा का चौका। बाइस के रूप में, लेकिन फायदा दे गया डायमंड वॉरियर को निदा का चौका।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्टेडियम पे ये छनछनाता है चौका पब्लिक की डिमांड पर। अगली गेंद सामना करेंगे वसीम सर। फिर से एक मौका बन सकता है यहां पर और आसान सा कैच है क्या नहीं कैच सर। ओके ओके कैच कैचेस मीन द मैचेस और वसीम सर के खाते में ये दूसरी सफलता। अगर वसीम सर इस गेंद पे विकेट लेते हैं तो मेरी ओर से सर को 200 रुपये नकद या फोन पे से दिए जाएंगे जैसा वो चाहे। गाजी सर का हम यहाँ खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं आज के TPL सीजन 3 के तीसरे दिन पे। हमारे बीच बैट्समैन नेम है इमरान शहदा सर, हमारे बीच गाजी सर हमारे TPL 3 के इस तीसरे दिन में विजिट देकर इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई। हम खैर मकदम इस्तकबाल वेलकम करते हैं सर का, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थोड़ी रनअप में गड़बड़ और काफ़ी जोश दिलाते हुए जोश भरते हुए शहजाद सर और इस गेंद पे अगर वसीम सर इस विकेट को निकालते हैं तो 200 रुपये मेरी तरफ से वसीम सर को दिए जाएंगे। ओह 200 बचे लेकिन बॉल बहुत अच्छी थी, वेरी गुड ओवर, सम्मान दिया वहां पे इमरान शहजाद साहब ने और बढ़ती हुई रन संख्या 27। बॉलर नेम है रोशन देशमुख सर, सामना करेंगे इरफान सर। और करारा शॉट स्ट्रेट सीधे बल्ले से उठा के मार दिया है सीमा रेखा पार 6 रन। अभी ये 6 नहीं, इसके बाद से अनाउंसमेंट आई है कि अब अगर 6 लगाते हैं इमरान सर तो हर 6 पे अजहर खान सर की तरफ से 200 रुपये 34 रन बढ़ती हुई रन संख्या। और अजहर सर 200 रुपये निकालिए और एक और बात, एक और अनाउंसमेंट यहाँ पे नॉवेल लेदर गैलरी की ओर से 3 6 लगाने वाले को लेंसर का चमचमाता शूज दिया जाएगा। आपके पास वो भी मौका है इमरान शहजाद सर, सुबह शहजाद सर को ये मौका मिला था और उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया था, एक लेंसर का शूज़ अपने नाम किया। अब क्या वो दूसरे के प्लेयर इमरान सर होंगे देखने लायक होंगे। अगली गेंद और जो मिस कर गए थे हमारे जुनेद सर हमारे साथ बैठे, 2 6 करारे लगाए थे, तीसरा चूक गए थे
अब सामना करेंगे इमरान साहब। इमरान सर आवाज़ आई, गए 200। अगली गेंद और स्लो बॉल, तेज़ बॉल के लिए तैयार थे वहाँ पे इरफान सर, देखते ही रोशन देशमुख सर ने उंगलियाँ फेरी और बैट से लगा है शायद एक रन। तेज़ घुमाना चाहते थे इमरान शहदा सर, बीट हुए 2 सिक्स लगने के बाद वापसी करते हुए यहाँ रोशन देशमुख सर और शायद ओवर का इख्तिताम। चार ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 44 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 4 ओवर। और देखने लायक होगा कि 5 ओवर कौन लेकर आता है। यहाँ पर परवेज सर के हाथ में गेंद थमाई है गुफरान सर ने, और इस मैच में हम गुफरान सर को भी ओवर देखना डालते हुए देखना चाहते हैं। शायद गुफरान सर हमारी आवाज़ सुन ले, शुक्रिया गुफरान सर। और अब आए हैं समीर सर, रिटायर्ड हार्ट एक विकेट यहां पे इरफान सर के रूप में। और एक करारा शॉट वहां पे इमरान सर के बल्ले से, और एक मौका बना सकते थे वहां रोशन सर, लेकिन 200 रुपये फिर से इनके अकाउंट में आते हुए इमरान शहदा सर बैटिंग हुए बाद अपना अकाउंट चेक कर ले। और इमरान यहाँ पे अजहर सर तैनात मोबाइल लेकर, ये हर सिक्स पे आपके 200 रुपये देते जा रहे हैं। फिर से अजहर सर यहाँ पे खड़े हैं हमारे पास। और ये पैसे गए और इमरान सर के अकाउंट में आए। जब तक रोशन सर फील्ड करते 2 रन मुकम्मल, और नए बैट्समैन है समीर सर। वापसी करते हुए यहाँ पे परवेज सर बहुत तेज बल्ला घुमाते हैं। ये एक इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाड़ी है रॉस टेलर, न्यूजीलैंड के, जो सबसे तेज बल्ला घुमाते हैं, और उसके बाद सबसे तेज घुमाने वाले क्रिकेटर है हमारे इमरान सर, रॉस टेलर के बाद इमरान शहदा सर। फिर से डॉट गेंद, काटा बदल रही है, थोड़ा संयम से ध्यान से देखकर इमरान सर को मारना होगा, जोश से के साथ साथ दिमाग से भी थोड़ा। अगली गेंद एक अतिरिक्त बॉल डालनी होगी एक्स्ट्रा के रूप में, एक रन।
फिर से घुमाना चाहते थे। जबरदस्त लाइन और लेंथ भरी गेंदबाजी यहाँ पे परवेश सर के रूप में, खूबसूरत गेंदबाजी। 5 ओवर की समाप्ति पर 53 रन। और अब अगले ओवर लेकर आए हैं मैन फ्रॉम कारंजा नेमत सर, 99 टी शर्ट नेमत सर, 145 किलोमीटर की स्पीड से ये बॉल फेंकते हैं मैन फ्रॉम कारंजा। अपने कोटे का पहला ओवर टीम के लिए 6 ओवर। जबरदस्त गेंदबाज यहाँ पे नेमत सर अपने पुराने अंदाज में आते हुए, और हबीब कौसर सर जहाँ से भी मैच देख रहे होंगे काफ़ी खुश। हबीब सर की ओर से इनाम आना चाहिए। और नेमत सर आपको बता दूं कि ये बॉल डालने से पहले जुनेद सर ने एक अनाउंसमेंट की थी कि अगर नेमत सर विकेट लेते हैं तो 100 रुपये आपको दिए जाएंगे। हार्ड लक नेमत सर, अभी भी चांस है, फिर से कोशिश करिए। आप सामना करेंगे इमरान शहदा सर। और अजहर सर के इनामात ख़त्म हो चुके हैं। और वहाँ पे बहुत तेज़ आउटफील्ड है, ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए इमरान शहदा सर, लेकिन इतने सालों के बाद क्रिकेट में वापसी की है नेमत सर ने, बहुत बड़ी बात है। एफर्ट लगा रहे हैं अपनी टीम के लिए और काफ़ी खूबसूरत दो गेंदें की है पहले, ये हल्की सी पटकी हुई गेंद और पूरा पूरा फ़ायदा उठाया इमरान शहदा सर ने, और एक जड़ दिया है ज़ोरदार शॉट, 4 रन। अगली गेंद नेमत सर की, और फिर से एक मौका, और 100 रुपये जुनेद सर के आपसे लेके चल जाएंगे नेमत सर मैच होने के बाद। खूबसूरत कैच वहां पे इस टीम के कैप्टन गुफरान सर। अरे अनाउंस तो हो जाएगा किसके तरफ से, अजीम सर की तरफ से 200 रुपये नेमत सर को, और जुनेद सर की ओर से भी 100 रुपये सर आपको, आप मैच होने के बाद लेके जाएं। और नेक्स्ट बल्लेबाज है हमारे नोमान सर, मैन इन फॉर्म नोमान सर। नोमान सर भी अगर 2 बॉल में 2 सिक्स लगाते हैं तो जुनेद सर की ओर से 100 रुपये। और जुनेद सर आप तैयार रहिए, जुनेद सर आप तैयार रहिए, काफ़ी बड़ा हिट 6 रन के लिए। नेमत सर आपको विकेट निकालनी है 100 रुपये आपको, और नोमान सर आपको 6 लगाना है, दोनों तरफ से जुनेद सर के 100 रुपये ज़रूर जाएंगे। ओवर की लास्ट गेंद, ये तो ब्लॉक हॉल, जबरदस्त गेंद थी नेमत सर की, और एक रनआउट का चांस हो सकता है, एम्पायर का डिसीजन आना बाकी, और ये आउट। वेरी गुड ओवर, वेरी गुड ओवर नेमत सर। ये जुनेद सर से आप इनाम ले ले, 65 रन बने हैं, वसीम सर 66 विन। हाँ,
नेमत सर से गुजारिश है कि फौरन अपना इनाम ले ले वरना ये इनाम चले जाएगा। नेमत सर वहाँ जाओ, जुनेद सर वहाँ बोर्ड के पास जाइए आप। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। गुड कैच भाई, फौरन डायमंड से गुजारिश है कि पानी पिए बाद फील्डिंग लगा ले। इसके बाद एक और मैच होने बाकी, मरूज वर्सेस टीटीएन। छह रन का यहाँ टारगेट दिया है डायमंड वॉरियर ने, देखना है किस तरह से ये अचीव कर पाती है। सात वॉरियर्स खूबसूरत बल्लेबाजी की थी पहले मैच में आज सुबह और 94 रन जड़े थे, जिसमें गुफरान सर, शहजाद सर खूबसूरत बल्लेबाजी की थी और अपनी टीम को 94 तक पहुंचाया था टारगेट। अब देखना है इस मैच को किस तरह से वो चेस कर पाते हैं। फर्स्ट टाइम इस टूर्नामेंट में वो चेस कर रहे हैं, अभी तक फर्स्ट बैटिंग की है। और इमरान सर से गुजारिश, इसके बाद एक और मैच जल्द से जल्द फिर सजा ले। और इस इनिंग में सबसे ज़्यादा जो स्कोर इंडिविजुअल स्कोर बना है इमरान शहदा सर का, 12 गेंदों में 25 रन बनाए हैं इमरान शहदा सर ने। खूबसूरत बल्लेबाजी करके अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा दिया है। और जल्द से जल्द फील्ड सजा ले डायमंड वॉरियर से गुजारिश, इसके बाद एक और मैच खेला जाना बाकी। चलो ओपनिंग बल्लेबाज जल्द से जल्द भेजे सात वॉरियर्स और डायमंड वहाँ अपनी फील्ड सजाते हुए फौरन लगा ले ताकि रोज़ की तरह एक मैच कल ना हो। कल हमारे सिर्फ सेमीफाइनल, थर्ड प्लेस और फाइनल के मैच खेले जाएंगे, ये बात याद रखें आप सभी। जितने जल्दी हम यहाँ से
कुछ ही देर में सेकंड इनिंग का आगाज हो जाएगा। जल्द से जल्द इस मैच को शुरू किया जाए। 66 का टारगेट साथ वॉरियर्स को दिया है डायमंड वॉरियर्स ने। और तमाम ही बच्चों से गुजारिश है कि आप सपोर्ट ज़रूर करिए, लेकिन मैदान के बाहर, बाउंड्री लाइन से बाहर। रैयान काफ़ी खुश और हम चाहेंगे कि रैयान की ये खुशी बरकरार रहे। बॉलर बॉलिंग मार्क पर तैयार इमरान शहदा सर, अपने कोटे का पहला ओवर और टीम के लिए भी पहला ओवर। स्ट्राइक बॉलर इस टीम के आइकॉन खिलाड़ी इमरान शहदा सर सामना करेंगे खूबसूरत बल्लेबाज तौसिफ सर फ्रॉम करजगांव। और मेराज पठान सर अपनी टीम को हर वक्त सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं, खुद किट में आकर पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। थैंक्स फॉर मेराज पठान सर। थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये मैच 3 मिनट लेट होगा। सेकंड इनिंग का आगाज़ कहीं ना जाए, हमारे YouTube चैनल से बने रहे। और डायमंड की फील्डिंग सस्ती हुई, पॉइंट पे है नौमान सर और बाउंड्री लाइंस पे ऑफसाइड की दिशा में हमारे इमरान सर, समीर सर और इरफान सर। पहला ओवर पावर प्ले का, तीन फील्डर बाहर रखने पड़ते हैं और एक ओवर में 7 वॉरियर्स कितना फायदा उठा पाती हैं देखने लायक होगा। काफी सपोर्टर यहां पे डायमंड वॉरियर्स के। और मैं फिर से बता दूं कि बड़ा ही क्रूशियल मैच है ये डायमंड वॉरियर्स की। अगर हम सोचे तो डायमंड वॉरियर अभी तक अपने ग्रुप के 2 मैच जीत चुकी है, इस तीसरा मैच जीतना उनके लिए बहुत ही जरूरी। और क्या उनकी ये जीत की रथ को रोक पाती है 7 वॉरियर्स। अब इन 6 ओवरों में देखना होगा किस तरह से चेस करती है। और अलीम सलाम सर का फिर से आगमन हमारे TPL सीजन 3 के तीसरे दिन, खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं हम कमेटी की जानिब से। और शुक्रिया मदर हाशमी सर फिर से मैच को तेज़ी से शुरू करने के लिए। वहाँ पे हबीब कौसर सर, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि अगले मैच के टॉस के लिए आ जाए और मैं गाजी सर से गुजारिश करूँगा कि अगले मैच का टॉस करवा ले हबीब कौसर सर। और तहसीन रजा सर और हबीब कौसर सर दोनों से गुजारिश है कि टॉस कर ले।
और सेकंड इनिंग का आगाज़ यहां पे होता हुआ पहला ओवर लेके आए हैं इमरान शहजाद सर। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है, 12 गेंदों में 25 रन बनाए हैं अपने आज के मैच में, और अब बॉलिंग से क्या जौहर दिखाते हैं देखने लायक होगा। उनका सामना करेंगे खूबसूरत बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज तौसीफ सर, जो इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। मैं गाजी सर, जुनेद सर, हमारे इनसे दोनों से गुजारिश करूंगा कि हबीब कौसर सर, तहसीन सर अगर आ गए होंगे तो टॉस करवा ले। मज़र सर भी वहाँ मौजूद हैं सर, टॉस करवा ले। और कवर में हल्के हाथों से एक रन चुराना चाहते थे, हल्के से मिस फील्ड, लेकिन और पटकी भी गेंद लेग साइड की दिशा में, दिशाहीन गेंदबाजी और उतना ही अच्छा मारा है यहाँ पे तौसीफ सर ने, सीमा रेखा पार 4 रन। और अच्छी वापसी करते हुए यहाँ इमरान शहजाद सर, और मरूज ने यहाँ पे टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। एक शानदार चौका लगाने के बाद वापसी करते हुए इमरान सर, ब्लॉक हॉल गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी। और घुमाना चाहते थे, बहुत अच्छी गेंद तौसीफ सर, वाइड का इशारा करते हुए, लेकिन एम्पायर पे कोई दबाव नहीं, खूबसूरत एम्पायरिंग डॉट गेंद। काफी एनर्जेटिक प्लेयर यहां पे अनवर शहजाद सर, जानते हैं कि भाई का ओवर था इसलिए भाई ने भाई को सपोर्ट करते हुए यहाँ पे अतिरिक्त 3 रन बचाए। कल से हम शहजाद शो देख रहे हैं और वो बरकरार। और शहजाद सर घुमाना चाहते थे, मिस कर गए, जोखिम भरा शॉट। एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। अच्छी खबर ये है सात वॉरियर के लिए कि अभी तक अपनी ओपनिंग पेयर बना के रखे हैं, कोई विकेट नहीं। अगला बॉलर देखना है कौन होगा डायमंड वॉरियर्स की ओर से। अपना काम इमरान शहजाद सर ने कर दिया है गेंदबाजी से और बल्लेबाजी से। अब नेक्स्ट गेंदबाज कौन होगा ये देखने लायक होगा। शायद से शहजाद अनवर सर की तरफ रुख किया है कैप्टन इमरान शहजाद सर ने।
बॉलर नेम है शहजाद अनवर सर फ्रॉम चांदूर बाजार। राइट हैंड गेंदबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, मजा आएगा। कौन किस पर हावी होता है अब पता चलेगा। पहला ओवर सिर्फ, बड़ा ही कंजूस ओवर डाला है इमरान शहजाद सर ने, 5 ही रन दिए हैं। फील्ड में हल्की सी तब्दीली, जानते हैं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन चल रहा है, इस तरह से फील्ड को कवर करना ही होता है। और तौसीफ सर जो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं उनके लिए एक टाइट फील्डिंग लगती हुई, अब सामना करेंगे तौसीफ सर। और साइड स्क्रीन पे कोई चलता हुआ नज़र आया है, इसलिए तौसीफ सर ने रोक दिया है वहाँ गेंदबाज को, वह साइड स्क्रीन से हट जाए जो भी होगा। अगली गेंद और पटकी भी गेंद, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, काफ़ी क्रिकेट खेलते एक दूसरे के साथ, साथ ही में 1.5 महीने से प्रैक्टिस कर रही है दोनों ने और एक दूसरे की कमजोरी जानते हैं बखूबी। 29 गेंदों में अभी भी 61 रन चाहिए जीत के लिए। फिर से सामने आकर घुमा दिया वहां नुमान सर की एक मिसफील्ड, और इस मिसफील्ड के चलते हुए 4 रन, ये रन बचाने होंगे। बहुत ही क्रूशियल मैच डायमंड वॉरियर के लिए, ये जीतना बहुत ज़रूरी अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो। इस तरह की फील्डिंग आपको मैच से दूर लेके जाएंगी। अतिरिक्त 3 रन देते हुए और बढ़ती हुई रन संख्या 9 रन। जब तक तौसीफ सर और शहजाद सर खेल रहे हैं डायमंड वॉरियर को चैन नहीं आएगा। एक एक बॉल टेंशन से भरा इस मैच में। और एक मौका, लगभग अपना विकेट छोड़ दिया था तौसीफ सर ने, ये लगता तो सीधा पवेलियन जाते तौसीफ सर। अच्छी वापसी करते हुए शहजाद अनवर सर। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा वो मरूज वर्सेस टीटीएन। मरूज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। हबीब कौसर सर से गुजारिश है कि अपने प्लेयर को तैयार रखे। और बड़ा हिट, एक मौका और खूबसूरत फील्डिंग वहां पे समीर सर की, एम्पायर का डिसीजन आना बाकी। और लगभग 5 रन बचाए अपनी टीम के लिए, खूबसूरत एफर्ट वहां पे समीर सर का। बड़ा ही क्रूशियल मैच और यकीनन ये बहुत बड़े रन रोके हैं आपने। बहुत अच्छा शॉट था यहाँ तौसीफ सर का। और अब स्ट्राइक पर है शहजाद अहमद शहजाद सर फ्रॉम चांदूर बाजार, साथ ही क्रिकेट को खेलते हैं काफ़ी दोनों भी। और मरूज की से गुजारिश है तहसीन रजा सर से कि एक प्लेयर यहां भेज दे ताकि प्लेइंग 11 के नाम हम लिख सके, आपके नाम यहां नहीं है। मज़हर हाशमी सर और तहसीन रजा सर से गुजारिश है, अभी टाइम है आपके पास, जल्दी से भेज दीजिए। हल्की सी मिसफील्ड, अच्छा शॉट था लेकिन
फील्डर के हाथों में सीधा एक रन। ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 11 रन 11 रन। अच्छी खबर अभी भी ये है कि विकेट बचा के रखी है साद वॉरियर्स ने। छोटे भाई ने बड़े भाई को गेंदबाजी का भार दिया है संभालने के लिए, भरोसा जताया है। और पहला ओवर टीम के लिए, तीसरा ओवर लेकर आए हैं, सामना करेंगे अनवर शहजाद सर का, अहमद शहजाद सर। ज़बरदस्त हिट, एक मौका बन सकता है इमरान सर के लिए, और इमरान सर ने काफ़ी एक हाथ में कैच पकड़े हैं सैफिया चैंपियन ट्रॉफी में, और करारा शॉट 6 रन। इस बार अनवर शहजाद सर इस बार दूर रह गई है सर, शायद दो इमरान लगते थे वहाँ। ज़बरदस्त एफर्ट इमरान सर का, फिर भी दूरी थोड़ी दूर बॉल में रह गई। अगली गेंद अनवर शहजाद सर की, फिर से लंबा हिट और फिर से ग्राउंड के पार, बाउंड्री लाइन पार, 6 रन के लिए। और अहमद शहजाद सर पहले ही लेंसर का शूज़ अपने नाम कर चुके हैं, अगर ये एक और 6 लगाते हैं तो नोवेल लेदर गैलरी की ओर से फिर से चमचमाता एक लेंसर का शूज़ मिलेगा, 1 से भले 2। क्या ये अपने खाते में लेते हैं देखने लायक होंगे। बाईस गेंदों में 43 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। दोनों ही बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, देखना है क्या ये तीसरा सिक्स हो पाता है। और वाइट, आपका इनाम बरकरार है अहमद शहजाद सर। और सीधा थमा बैठे इमरान मुनव्वर सर के हाथों में, बहुत अच्छा खेल रहे थे, लय में आ चुके थे शहजाद सर, और अपना विकेट गंवा बैठे, सीधा इमरान सर के हाथों। अच्छी कैच, यकीनन ये कैच आपको जीत की तरफ ले जाएंगी इमरान सर। और अब इस टीम की आन बान शान, इस टीम के कैप्टन गुफरान हुसैन सर, ज़बरदस्त बल्लेबाज। सीधा हाथों में थमा बैठे अनवर शहजाद सर ने ब्रेक थ्रू दिला दी यहाँ पर डायमंड वॉरियर को। अभी भी लक्ष्य दूर लेकिन नामुमकिन नहीं। न्यू बैट्समैन है गुफरान सर, 01 टी शर्ट, टीम के कैप्टन गुफरान हुसैन सर, मुदस्सिर सर के बड़े भाई, और भरपूर एफर्ट लगा रहे हैं इमरान मुनव्वर सर फील्ड में, चेयर अप करते हुए अपनी टीम को। इसी तरह की ज़रूरत इस टीम को। फील्ड में हल्की सी तब्दीली, समीर सर को अंदर बुलाया है, शोएब सर को बाउंड्री लाइन पे भेजा है। अब सामना करेंगे पहली बॉल का गुफरान सर। और आते ही सामने की तरफ मार दिया, वहाँ पे फील्डर मौजूद, और शोएब सर की उतनी ही ज़बरदस्त फील्डिंग, अतिरिक्त 3 रन बचाए और गलत थ्रो, जोश में इमरान सर ने होश खो दिए थोड़े, और एक अतिरिक्त रन।
दो रन मिलते हुए यहाँ पे एक अतिरिक्त रन गुफरान सर की झोली में। 20 गेंदों में अभी भी 40 रन चाहिए, हर गेंद पर दो रन यहां से। और खूबसूरत शॉट यहां पर, एक मौका और आसान सा मौका, गति नहीं दे पाए अपने शॉट में, टाइम नहीं कर पाए पूरी तरह, और आसान सा कैच समीर सर के हाथों थमा बैठे। इमरान अनवर शहदा सर की ये दूसरी सफलता। अब देखना होगा कि बैटिंग पे, और नेमत सर अगले बल्लेबाज हबीब कौसर सर काफ़ी खुश होंगे, और हबीब सर की ओर से अगर नेमत सर सिक्स लगाते हैं तो 100 रुपये ज़रूर मिलेंगे। हबीब सर हाथ बता दे। बड़ा विकेट, कैप्टन का विकेट जाता हुआ, यहाँ पारी को संभालने की ज़रूरत थी यहाँ से। गुफरान सर को थोड़ी जल्दबाजी कर बैठे और दूरी प्रदान नहीं कर पाए अपने शॉट में। इस ओवर की ये आखिरी गेंद हो सकती है, और अभी तक रन भी अच्छे आए हैं इस ओवर में और विकेट भी चली गई है दो बड़ी। रन मैटर नहीं करते, दो बड़ी विकेट अनवर शहदा सर ने ज़रूर निकाली है। अब सामना करेंगे नेमत सर। और लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, जानते हैं कि फील्डर ऊपर है, और एम्पायर की बाहें खुलती हुई, एक्स्ट्रा एक अतिरिक्त रन वाइड के रूप में। और उतनी ही खूबसूरत फील्डिंग वहां पे, बहुत अच्छे फील्डर है वहां पे इरफान सर। कितने 29 रन बढ़ता हुआ स्कोर। अभी भी 18 गेंदों में चाहिए 37 रन, जब तक तौसिफ सर मौजूद है क्रीज पर बहुत ही संभल कर गेंदबाजी करनी होगी डायमंड वॉरियर को। और टीटीएन से गुजारिश है कि अपने प्लेइंग 11 को तैयार रखे, बिल्कुल ये ख़त्म होते से ही मैच शुरू करना है। आज के दिन का ये आखिरी मैच खेला जाएगा, और कल का जो फाइनल डे रहेगा वो फाइनल डे में दो सेमीफाइनल मुकाबले, एक थर्ड प्लेस के लिए और एक फाइनल खेला जाएगा। और एक अनाउंसमेंट आई है कि नेमत सर कंटिन्यू अगर 3 सिक्स लगाते हैं तो ताहिर नूर सर की तरफ से 200 रुपये आपको दिए जाएंगे। नेमत सर इस बार ज़रूर मिलेंगे, आप कोशिश करिए। सॉरी सर, एक पे नहीं मिलेगा आपको। और अगली अनाउंसमेंट है नॉवेल लेदर गैलरी की ओर से, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट कैच जिसने लिया है, स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, हाईएस्ट 4, हाईएस्ट 6, बेस्ट इंटरटेनमेंट प्लेयर, एनर्जेटिक प्लेयर, ये अलग से इनामात दिए जाएंगे नॉवेल लेदर गैलरी की ओर से। शुक्रिया साजिद सर, नदीम सर।
बॉलर नेम शहजाद अनवर सर, अपने कोटे का दूसरा ओवर। यहाँ से बहुत क्रूशियल होगा ये मैच। थोड़ा जमीर सर फील्ड में तब्दीली करते हुए, टेंशन भरा ये मैच, शायद पांच ही प्लेयर बाहर थे और ये नो बॉल भी हो सकती थी। पटकी हुई गेंद और पूरा पूरा फायदा उठाया हुआ तौसिफ सर ने, एम्पायर का डिसीजन आना बाकी। और एम्पायर का इशारा चार रन। पटकी हुई गेंद और पूरा पूरा फायदा उठाया, एक दूसरे के खिलाफ काफी खेलते हैं। मैंने पहले ही कहा है जब तक तौसिफ सर क्रिस पे मौजूद है मैच में बहुत जान बाकी। और एक मौका लेकिन पूरी तरह टाइम नहीं कर पाए वहाँ तौसिफ सर, एम्पायर का डिसीजन आना बाकी। अच्छी फील्डिंग वहाँ पे समीर सर की, एक ही रन बनाए और तौसिफ सर अगर 3 सिक्स लगाते हैं तो जुनेश सर की ओर से 200 रुपये दिया जाएगा, जिस भी तरह से आप एक्सेप्ट करना चाहे, बाय फोन पे, बाय गूगल पे, बाय कैश। और अभी भी 16 गेंदों में 32 रन चाहिए जीत के लिए। अब सामना करेंगे मैन फ्रॉम कारंजन अहमद सर। खूबसूरत शॉट, ये वर में पूरा पूरा फायदा उठाते हुए, जानते हैं शहजाद सर की कमजोरी और वहाँ पे फील्डर होने के बावजूद डेयरिंग के साथ उधर ही खेल रहे हैं। एक पावर जोन भी है इनका लेग साइड और स्कोर को पहुँचा दिया है 41 रन पर। फिर से उसी दिशा में घुमाना चाहते थे लेकिन टप्पा खाने के बाद नीचे रही और 22 के रूप में एक रन मिलता हुआ। और नेमत सर भी तौसिफ सर को समझा रहे हैं कि मैं भी हूँ तेरे साथ, तू टेंशन ना ले। अब सामना करेंगे नेमत सर शहजाद सर की अगली गेंद का, देखना है क्या कर पाते हैं। और सीधा ही मार दिया तेज शॉट और उतनी ही खूबसूरत फील्डिंग। अनवर शहजाद सर के एक रन आउट का मौका बन सकता था, एम्पायर इशारा नो बॉल। एक अतिरिक्त गेंद, फ्री हिट मिली है तौसिफ सर को, एम्पायर का डिसीजन नो गेंद नो बॉल। और एम्पायर डिसीजन लैंड डिसीजन और यहाँ पे अतिरिक्त बॉल डालनी होगी यहाँ पे शहजाद सर को, लेकिन एक तोहफा ज़रूर है यहाँ तौसिफ सर के लिए, खुलकर खेल सकते हैं इस बॉल को। और ज़बरदस्त शॉट और बहुत अच्छी कैच वहाँ पे अनवर शहजाद सर की, लगभग फिर से 5 रन बचाए अपनी टीम के लिए, काफ़ी रन बचा चुके अभी तक। और अब 12 गेंदों में 21 रन चाहिए यहाँ से और बड़ा ही ये हाई टेंशन मैच
बहुत ही ऐसे मोमेंट पे, ऐसे मोड़ पे आके रुक गया है कि ये कुछ कह नहीं सकते। कमज़ोर दिल वाले ज़रूर इस मैच को घर पे जाके आराम से देखिए, यहाँ पर आप धूप में नहीं देख सकते कमज़ोर दिल वाले। अगला 12 गेंदे और चाहिए 21 रन। बड़ा निर्णायक ओवर रहेगा ये। अरे जबरदस्त हिट, जबरदस्त हिट, फुल टॉस बनाया है। जरूर ब्लॉक हॉल डालना चाहते थे इमरान सर, लेकिन दो कदम आगे बढ़कर फुल टॉस बनाया तौसिफ सर ने। और इस मैच में जैसे जान भर दी हो। अगली गेंद इमरान चदर सर, और एक मौका। जानते थे कि आगे आकर खेल रहे हैं, हल्के हाथों से उंगलियां फेरी और आसान सा कैच शहजाद अनवर सर के। बहुत ही खूबसूरत गेंद थी ये। दस गेंदों में चाहिए 15 रन और अब बैटिंग मार्क पे आए हैं इस टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी वसीम सर सरजी बीआर, और उतने ही खूबसूरत गेंदबाज इमरान शहदा सर। काफ़ी निर्णायक ओवर साबित होगा ये। और अच्छा मैच चलता हुआ, टेंशन भरा जरूर है लेकिन शांत मैच चलता हुआ दोनों ओर से। और नेमत सर यहाँ तेजी के साथ घुमाना चाहते थे, और यहाँ पे एक डॉट गेंद, 8 गेंद 14 रन। ये ओवर काफ़ी खूबसूरत करते हुए इमरान सर एक सिक्स लगने के बाद बदल सा दिया है अपने बॉलिंग से गेम को। और ये देखने होंगे कितने रन निकाल पाते हैं। बढ़ता हुआ रनों की गति 53 रन, और अतिरिक्त कुछ गेंदे इस ओवर की। और हल्के हाथों से लेग साइड की दिशा में खेल दिया है वहां पे, जब तक फील्डर फील्ड करता एक रन मुकम्मल जरूर कर लिया है वसीम सर ने। अब 6 गेंदों में चाहिए यहां से 12 रन, और बैट्समैन जो स्ट्राइक पे रहेंगे वो है वसीम सर सरजी। और अब देखने लायक होगा कि ये वर कौन डालता है। शायद रुक किया है राहुल तायडे सर की ओर। डायमंड की किस्मत राहुल सर के हाथों में। 6 गेंदों में 12 रन,
डायमंड वॉरियर के लिए काफी निर्णायक ये मैच। बारह रन छह गेंदों में चाहिए। अपने कोटे का पहला ओवर राहुल सर और स्ट्राइक पे उनका सामना करेंगे वसीम सर, राहुल ताइडे सर फ्रॉम मनपा। और काफ़ी टेंशन भरा ये लास्ट ओवर, 12 रन और डायमंड की किस्मत राहुल सर के हाथों में और स्ट्राइक पे वसीम सर। और पहली गेंद में देखना ये मौका बन सकता है और कैच छूट गया है और अतिरिक्त 2 रन और ये मज़ेदार मूवमेंट फिर से मैच में, फिर से मज़ेदार मूवमेंट, एक मौका ज़रूर बना था लेकिन ये कैच नहीं मैच हो सकता है। 10 गेंदों में चाहिए, 5 गेंदों में चाहिए 10 रन, हर गेंद पे चाहिए 2 रन, पहली गेंद पे 2 रन आ चुके हैं, अगली 5 गेंदों पे भी चाहिए 10 रन और सामना करेंगे फिर से वसीम सर। फिर से एक मौका, फिर से एक मौका एजाज सर उसके पीछे और फिर से 2 रन चुरा लिए यहाँ पे वसीम सर ने। जो रन रेट का रिक्वायर्ड है वो रन रेट से यहाँ पे रन आते हुए अब चाहिए 4 गेंदों में 8 रन। आसिफ सर से भी गुजारिश है मेरी वहाँ पे कि थोड़ा मैच देख ले, बहुत मज़ेदार मैच हो रहा है। 4 गेंदों में 8 रन चाहिए आसिफ सर, सारा ध्यान सभी का इधर है, तहसीन सर आसिफ सर सभी इधर देखिए प्लीज़। इत्मीनान से सभी मैच देखे, सब सभी से मेरी गुजारिश है कि आपसी बातों को थोड़ा बंद कर दे। 4 गेंदों में 8 रन चाहिए, निर्णायक ओवर है, निर्णायक मैच है ये। राहुल सर की अगली गेंद सामना करेंगे वसीम सर। फिर से एक मौका अब नहीं छोड़ेंगे और रैयान एंड कंपनी काफी खुश। 3 गेंदों में अब चाहिए यहां से 8 रन। वसीम सर पवेलियन जाते हुए, वसीम सर ने अपना काम कर दिया है जरूर और इमरान सर की धड़कनें तेज थी, थोड़ी कम हुई है। न्यू बैट्समैन है परवेश सर फ्रॉम मनपा, एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर खिलाड़ी है ये और पिछले PTAPL में बहुत खूबसूरत बैटिंग की थी परवेश सर ने और अभी उनको टीम को बहुत ज़रूरत। 3 गेंदों में चाहिए 8 रन, काफ़ी क्रूशियल मैच। राहुल सर वापसी करते हुए एक ज़बरदस्त विकेट ली है, अब सामना करेंगे परवेश सर न्यू बल्लेबाज इस गेंद का। परवेश सर और एक बड़ी सफलता, इनसाइड एज लगकर बोल्ड हो गए, यू मिस आई हिट क्लीन बोल्ड।
और सभी को मैं बता दूं कि 2 गेंदों में 8 रन चाहिए। न्यू बैट्समैन है हमारे रोशन देशमुख सर, दोनों काफ़ी एक दूसरे के साथ खेलते हैं, मनपा वर्सेस मनपा, राहुल सर वर्सेस रोशन सर। रोशन देशमुख सर ऑन स्ट्राइक। और लेग साइड की दिशा में बहुत ही तेज आउटफील्ड वहां पर, और 4 रन, फिर से रोमांच बढ़ता हुआ इस मैच में। 1 गेंद में चाहिए 4 रन, काफी खूबसूरत मैच यहां होता हुआ। रोशन सर ने आते ही गैप ढूंढ निकाला और एक लेग साइड में फ्लिक करते हुए चौका बटोरा, और दिल की धड़कने फिर से तेज कर दिए यहां पर रोशन देशमुख सर ने। क्या मैच हो रहा है ये, जबरदस्त मैच। 1 गेंद 4 रन, ये मैच और कवर की दिशा में एक फील्डिंग करनी होगी वहां पे टाइट। और डायमंड वार्नियर ने ये मैच अपने झोली में कर लिया है, बाकी खूबसूरत मैच ये रहा। और सबसे ज्यादा मुबारकबाद के हकदार इरफान सर, जिन्होंने काफी खूबसूरत वहां पे फील्डिंग करके अतिरिक्त 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। और राहुल सर की खूबसूरत गेंदबाजी, नेमत सर ने खूबसूरत बैटिंग यहाँ की, और बहुत बहुत मुबारकबाद यहाँ पे मेराज पठान सर और पूरी टीम को। अगली मैच के लिए फील्ड सजा ले। मज़हर हाशमी सर से गुजारिश है, मज़हर हाशमी सर से गुजारिश है कि बराए करम स्टेज पे आए, माइक की तरफ आए सर। मज़हर हाशमी सर जल्दी से 2 मिनट के लिए। मज़हर हाशमी सर, मज़हर सर